वित्त मंत्रालय ने आर्थिक तंगी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL को बंद करने की सलाह दी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने BSNL और MTNL को फिर से पटरी पर लाने के लिए 74,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया था। वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दोनों PSU कंपनियों को बंद करने की सलाह दी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक दोनों PSU कंपनियों BSNL और MTNL को बंद करने के लिए 95,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये लागत BSNL और MTNL के 1.65 लाख कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लान और कंपनी का कर्ज लौटाने के लिए लगेगी। मंत्रालय के मुताबिक BSNL और MTNL को बंद करने की योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आर्थिक संकट छाया हुआ है। ऐसे समय में कोई कंपनी शायद ही सरकारी कंपनियों में निवेश करने पर विचार करे। इन दोनों कंपनियों में 3 प्रकार के सरकारी कर्मचारी हैं। पहले जो सीधे नियुक्त किए गए हैं, दूसरे जो अन्य PSU कंपनियों से या विभागों से शामिल किए गए हैं और तीसरे इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के अधिकारी हैं। अगर कंपनी बंद होती है तो ITS अधिकारियों को अन्य सरकारी कंपनियों में जगह दी जा सकती है। वहीं जो सीधे नियुक्त किए गए हैं वो जूनियर स्तर के हैं और जिनकी सैलरी कम है, ये पूरे स्टाफ के सिर्फ 10% हैं। सरकार ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है जिसमें कुछ लागत आएगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.